बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मोहतरम फखर इस्लामाबाद जनाब जफर शाह साहब दफ्तर इस्लामाबाद फराना कमर साहबा सबका एम एल ए राजा मतलूब साहब राजा मसूद साहब कैप्टन याकूब साहब चेयरमैन साहब पीटीआई के उदेदारान और तमाम आदरीन और सामीन आपको बहुत बहुत सलाम। मैं अपनी जो हमारे साथ टीम आई है उनकी तरफ से राजा महाज और ये जो हमारे सीनियर हैं उनकी तरफ से राजा मतलूब साहब का बहुत बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने बड़े शॉर्ट टाइम में क्योंकि एक दो दिन पहले तो वहाँ सत्र में जलसा हुआ था उन्होंने ये तैयारी की है और उन्होंने एहसास दिलाया कि यहाँ माशाल्लाह पीटीआई के लिए काम हो रहा है। इसके लिए हम बहुत बहुत उनके मशहूर हैं। ये अल्लामा इकबाल का एक शेर मैं याद करूँगा, कहते हैं कि फितरत के मकासद की करता है तर्जुमानी या बंदा है सहराई या बंदा है कोस्तानी। तो आज यहाँ बंदे कोस्तानी है ये ऐसा बंदा कोस्तानी है। लामा ने कहा है कि ये लोग हैं वो जो अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों पर अमल करवाते हैं और उन पर अमल करते हैं। और मैंने देखा है कि मुझे जब से मैंने इनको सियासत में देखा है इंदिरा गांधी को खासकर तलाक की नानी को और तमाम लोगों को ये जब किसी के साथ हो जाते हैं तो फिर ये आखिर दम तक रहते हैं। और यही अल्लामा ने शेर में लिखा है। अब चूंकि वक्त थोड़ा है शाह साहब को भी मोहतरमा फराना कमर को भी तीन चार जगह उन्होंने बुलाया हुआ है तो मैं बिल्कुल मकसदन एक तो ये कहूंगा कि आपने वोट क्यों पीटीआई को देनी है। तो बाकी तमाम जो मशहूर पार्टियां हैं उनको तीन तीन दफा चेक कर चुके हैं उनको मौका दे चुके हैं। और चूंकि अल्लाह भी कहता है हदीस है कि जो मोमन मुसलमान होता है एक सुराख से दो दफा नहीं दखा जाए। और साथ ही ये है कि आजमाए हुए को बार बार आजमाना बेवकूफी है। ये चीजें दो आप अपने सामने रखें और इस दफा उनको भूले और ये नई पार्टी आई है नए विजन के साथ आई है इनका साथ दें। और आप दे रहे हैं मुझे पक्की उम्मीद है कि आपके इंतजाम से पता चलता है और आप इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। बस मैं एक आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह इस वक्त इमरान खान की बहुत ही शोहरत बनी हुई है इंशाल्लाह वो जीतेंगे लेकिन उसके लिए अमली तौर पे हमें इलेक्शन वाले दिन सामने आना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी टीमें जो है ना पार्टियों की बहुत तजर्बेकार है हमारी ये नई नई टीमें बनी है इतना तजर्बा नहीं है। अब जो आप लोग आए आप लोगों की हिम्मत करनी पड़ेगी ताकि उस दिन हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। मैं एक दफा फिर आप सबका मशहूर हूँ कि आपने ये इंतजाम किया है खासकर इतने खूबसूरत इलाके में यहाँ के मैं तो फिर दोबारा से तरह ताजा हो गया। आप शाह साहब को कहते हैं मैं भी बुढ़ा हुआ भी लेकिन अब यहाँ के तरह ताजा हो गया। शुक्रिया। आई आई पीटीआई आई आई पीटीआई आई आई पीटीआई। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने दोस्त बुजुर्ग हाजी मतलूब साहब राजा मसूद साहब बाबू अशरफ साहब और अहले ने इलाका जो मस्जिद यहाँ तशरीफ फरमाया उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने आज हमें बुलाया और इज़्ज़त अफजाई हमारी की। उसके बाद मैं सैयद जफर अली शाह साहब फराना कमर साहबा का भी मशकूर हूँ कि वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ लाए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि हमने पी टी आई को क्यों ज्वाइन किया। चूँकि मेरा तल्लक आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से था और मैं इस्लामाबाद का प्रेसिडेंट था और हाजी मतलूब साहब मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी थे तो आप लोग भी हमेशा तलाट से भरपूर तादाद में हमारे हर रैली जैसे जुलूस में लोग यहाँ से तशरीफ लाते रहे और हमारे साथ चलते रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो क्या वजूहत है जिसकी वजह से आज हमने पी टी आई को ज्वाइन किया तो मैं थोड़ा सा वो आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है चूँकि हमारा एक
जो राम था APML के वाले से कि मुशर्रफ साहब वापस आएंगे पाकिस्तान में तो हम उनकी क्यादत में इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन बदकिस्मती से गवर्नर साहब की वापसी नहीं हो सकी और चूंकि उन्होंने अपनी चेयरमैनी से भी रिजाइन दे दिया तो उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो तीन पार्टियां रह जाती थी, पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ और PTI। दूसरे लोग भी हमारे पास आए लेकिन वजह ये थी कि वो अजमाए हुए लोग हैं तकरीबन।